अतीक तो जेल में गोबर उठा ही रहा है, अब बहन को भी जाना होगा जेल। बहनोई पहले ही तनहाई बैरक में काट रहा रातें, एक की करतूत और सजा भुगत रहा पूरा का पूरा कुनबा। न बेटे बचे न पत्नी बची और बहन बहनोई को भी कर दिया बर्बाद। सीसीटीवी ने किया ऐसा खुलासा कि माफिया की बहन भी लपेटे में आई, मांग रही जिंदगी की खैर, लेकिन कानून कस रहा शिकंजा। देखिए क्या राज सीसीटीवी ने उगला और किस जुर्म में अतीक की बहन को किया जाएगा गिरफ्तार। भाई की बड़ी राजदार है उसकी बहन। अक्सर गांवों में कहा जाता है कि दादा करेंगे पोते भरेंगे, इसका मतलब है कि करतूत करेंगे आप और इनकी सजा भुगतेगी आपकी आने वाली पुश्तें। ठीक वैसा ही हो रहा है अतीक अहमद के साथ। अतीक अहमद को तो किए की सजा मिल ही रही है, अब परिवार और रिश्तेदार भी लपेटे में आ रहे हैं। बहनोई पहले ही गिरफ्तार हो चुका है तो अब अतीक की बहन के ऊपर भी गिरफ्तारी के बादल मंडरा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से एक ऐसा खुलासा हुआ है कि अब अतीक की बहन की गर्दन कानून के शिकंजे में आ रही है। उधर अतीक भैंस का गोबर उठा रहा है और खून के आंसू बहा रहा है। बेटे भी कानूनी झमेलों में फंसे हैं और रही सही कसर ये हो गई कि बहन के खिलाफ भी कानूनी मोर्चा खुल गया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो फिर आइए तफसील से पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल शूटर गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज की तलाश के दौरान एसटीएफ को मिले वीडियो फुटेज एसटीएफ के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। एसटीएफ ने सारे तथ्य और सबूत प्रयागराज पुलिस के सुपुर्द कर दिए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर जल्द प्रयागराज पुलिस अतीक की बहन के साथ उसके परिवार के 3 और सदस्यों के नाम FIR में जोड़ने जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर ही प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में अतीक के बेटे असद और गुड्डू मुस्लिम के साथ 6 लोगों को नामजद किया था। तहकीकात के दौरान अतीक की पत्नी शाइस्ता का नाम सामने आया, फिर अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक और नौकर शाहरुख को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर अखलाक के घर और आसपास के फुटेज में अतीक की बहन आयशा समेत 3 करीबियों की भूमिका एसटीएफ को संदिग्ध लगी। एसटीएफ ने अखलाक और शाहरुख के बयान के आधार पर ही आयशा समेत 3 और करीबियों को भी आरोपित बनाने के ढेर सारे साक्ष्य जुटा लिए हैं। एसटीएफ के एक अधिकारी का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। उमेश पाल कांड में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से पुलिस ने मंगलवार को कस्टडी रिमांड के दौरान 6 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हत्याकांड में पुलिस ने 21 मार्च को 5 आरोपियों नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद, राकेश कुमार और अरशद कटरा उर्फ अरशद खान को गिरफ्तार किया था। आरोपियों में कैश अहमद और राकेश कुमार की निशानदेही पर अतीक के कार्यालय पर पुलिस ने छापेमारी भी की थी। कार्यालय से पुलिस को हथियार और करीब 75 लाख रुपए कैश मिले थे। पुलिस ने इन आरोपियों को धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयरामपुर से गिरफ्तार किया था और CJM की कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। जब से अतीक की बहन के खिलाफ फाइल खुलने के संकेत मिले हैं, तब से माफिया जेल में बेचैन दिख रहा है। वो ना तो सही से खाना खा पा रहा है और ना ही सही से सो पा रहा है। जेल सूत्रों की माने तो अतीक को पहले ही ऐसी सजा दी गई है जिसमें वो जेल की ड्यूटी से परेशान है। ऊपर से परिवार के ऊपर कसते शिकंजे ने उसकी हालत और खराब कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।